हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल NS Working Time को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय YouTube चैनल NS Working Time में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम एक और न्यू काम की वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम सब्सक्राइबर्स को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके भी जो हैं चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो हम एक आपको चैनल चेक करके लाइव प्रूफ दिखा सकते हो, आप भी इस प्रकार से जो है आपके सब्सक्राइबर आप बढ़ा सकते हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल NS Working Time को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं YouTube पर इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, हम अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपका सब्सक्राइबर बढ़ाने का सपना हमेशा से रहता है। चाहे आपके कितने भी सब्सक्राइबर हो जाएं, मगर सब्सक्राइबर बढ़ाने का सपना आपका कभी भी खत्म नहीं होता, यह बढ़ता ही जाता कि हमारे बन के वह ज़्यादा हो जाएं, वह ज़्यादा, तो यह चलता ही रहता है। दोस्तों, आपको वीडियो को ध्यान से लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है। तो हम जो है एक चैनल चेक कर रहे थे, जिसमें भाई ने मेरे को क्या बोलते हैं कमेंट किया था कि आप मेरा शायद चैनल चेक कीजिए, क्या है उसमें, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको ऐसा कंटेंट दिया था जिसमें आप देख सकते हो, मैं जैसे कि लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। कलर गेमिंग करके एक था चैनल, देख सकते हो। इनका चैनल जो है अभी अभी बना हुआ था चैनल, तो इनके देख सकते हो। हम जाते हैं शॉर्ट बाय एंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर, तो आप देख सकते हो इनकी जो है 11 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, जो भी यानी कि 2 सप्ताह में, आप देख सकते हो। इन्होंने फिर क्या किया, एक वीडियो इनकी जो है वायरल हो गई, इसके बाद इन्होंने देख सकते हो आप कितनी सारी उसी वही वीडियो और उसी टॉपिक पर उसी टैग से रिलेटेड देख सकते हो आप कितनी सारी इन्होंने वीडियो अपलोड कर दी, और इनके आप देख सकते हो कितने सारे जो हैं सब्सक्राइबर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपको जो इनके जैसा तो नहीं करना है या सरासर, यानी कि इनका चैनल तो मोनेटाइज नहीं होगा, मगर क्या रहता है आपको करना क्या है, जैसे कि ये इनकी वीडियो जो है वायरल हो गई थी, इनको अब किसी और से रिलेटेड इसी टॉपिक से, मगर यह वीडियो दोबारा इतनी सारी नहीं डालना चाहिए थी, क्योंकि यह यानी कि मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो वह रिजेक्ट कर देगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इनकी जो वीडियो है इनको इन पर ध्यान नहीं देना। आपको क्या करना है, देख सकते हो हर एक न्यू टॉपिक पर और अगल यानी कि टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है। क्यों, फिर मैंने इनको सलाह दी थी कि ऐसा आप मत कीजिए जिससे आपका मोनेटाइज नहीं होगा। फिर देख सकते हो इन्होंने जो है टॉपिक भी चेंज कर दिया था, और फिर यह फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने लगे। पहले कहते थे, मगर एक जो है इनकी वायरल हुई, उसके बाद इन्होंने उसी टॉपिक पर बार बार जो है वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, आप भी इस प्रकार से जो देख सकते हो यहाँ पर, आप क्या इनके चैनल में चेक करके आप देख सकते हो कि इन्होंने एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाई थी, फिर इन्होंने मैंने सलाह दी इनको कि आप ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाओ जिससे उससे रिलेटेड हो, उसी वीडियो से रिलेटेड हो जो आपकी मोस्ट पॉपुलर हुई है। दोस्तों, फिर यह मान के चलो कि इनके सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। दोस्तों, आप भी हर एक न्यू टॉपिक पर वीडियो अपलोड कीजिए, वो नहीं कि आप उसी टॉपिक पर बार बार वीडियो और वही वीडियो बार बार अपलोड कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होता। दोस्तों, क्या रहता है, जब हमारी एक भी वीडियो वायरल हो जाती है, उसके बाद आपके ऑटोमेटिक ही व्यूस आना शुरू हो जाते हैं और सब्सक्राइबर्स ऑटोमेटिक ही आना शुरू हो जाते हैं। वो तो यूट्यूब का सिंपल सा फंडा है, अगर आपके जो है वीडियो पर व्यूस आएंगे तो आपके सब्सक्राइबर्स ज़रूर बढ़ेंगे, चाहे कैसी ही वीडियो हो। तो दोस्तों, आपकी एक भी वीडियो वायरल हो जाती है, आपकी जो हैं आपके सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। देख सकते हो इन भाई की जो है, मैंने अभी चैनल चेक करके बताया आपको, एक भी वीडियो वायरल हो गई और उनके इतने सारे सब्सक्राइबर्स
हो जाए। यूट्यूब की कब कौन सी वीडियो कब वायरल होता हो जाए यह किसी को पता नहीं होता। तो आप दोस्तों इस प्रकार से न्यू टॉपिक पर वीडियो बना के आपके जो है सब्सक्राइबर आप बढ़ा सकते हो, आपकी वीडियो को आप बहुत रैंकिंग में कर सकते हो। आई होप कि मेरी जो बात है आपको समझ में आई होगी दोस्तों, कि हम जो वीडियो है अगर यानी कि चेंज टॉपिक कर कर के वीडियो बनाएं और कब वीडियो आपकी अपलोड यानी कि वो हो जाए वायरल। दोस्तों वीडियो को कहते हैं यहीं पर ख़त्म। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।